जुलाई 2017 में पहली बरामदगी की रिपोर्ट आई ड्रग्स की गुजरात के कोस से। जनवरी 2020 में 175 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए, पाकिस्तानी कुछ लोग थे अपनी नावों में आ रहे थे। अप्रैल 2021 में 150 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। 28 अप्रैल को पीपावाव पोर्ट, निखिल गांधी कोई उद्योगपति हैं, उनके यहां बरामद हुए 90 किलो 450 करोड़ के ड्रग्स। सितंबर 2021 में 3 टन हेरोइन 21,000 करोड़ का बरामद हुआ। 18 सितंबर 2021 को ईरान के रास्ते आता हुआ 30 किलो 150 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। लिस्ट बहुत लंबी है और अभी कल मुंद्रा पोर्ट पे एक बार फिर 52 किलो कोकीन ईरान के रास्ते बरामद हुई। लगातार गुजरात के रास्ते, गुजरात की कोस्ट लाइन पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप कहेंगे ये तो पकड़े गए, इसमें क्या खबर है, जो 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स आए और मार्केट में फैल गए, नहीं पकड़े गए जून 2021 में, जो इतना बड़ा ड्रग्स का बरामदगी हो सकती थी और नहीं हुई, वो कितनी ट्रक्स में हिंदुस्तान में फैला होगा। एक ट्रक में पूरे के पूरे ड्रग्स तो आप भर नहीं सकते, कुछ और भी रखेंगे तो 5 टन रख दिया होगा आप, तो 25 टन ड्रग्स ट्रकों से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकलकर पूरे देश में फैल गया। पहले तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे निकल गया, उसके बाद ट्रकों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया, आपने कुछ नहीं किया। नित्यानंद राय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया, 2 बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं, क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स हैं एनआईए की, ये जरूरी है हमारा सबका, यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई। तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया, 7 महीने हो गए आपकी इस घोषणा को, 7 महीने बाद ईरान से ये सामान कैसे आया, 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया, हमारा ये सवाल है आपसे। 27-28 साल से सरकार वहां आपकी है, 8 साल से सरकार यहां आपकी है, आपके नाक के नीचे गुजरात गेटवे ऑफ ड्रग्स क्यों बन रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप दोनों चुप क्यों हैं इस मसले पर, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा, प्रधानमंत्री इस पर कब कुछ कहेंगे। ड्रग्स का व्यापार ऐसा नहीं होता कि हम 3 जो यहां बैठे हैं कर लेंगे छोटा सा व्यापार, ऐसा नहीं होता। इस व्यापार का एक सिंडिकेट होता है, उस सिंडिकेट की तारें पूरे दुनिया में जुड़ी होती हैं और उस सिंडिकेट को वरदहस्त, राजनीतिक वरदहस्त अवश्य प्राप्त होता है।
उसके बगैर वो सिंडिकेट जीवित नहीं रह सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ड्रग्स के इस सिंडिकेट का एल चापो कौन है, पैब्लो एस्कोबार कौन है, नाम बताएं उसका, और इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या नीति आपकी है, वह भी स्पष्ट करें।